महाराष्ट्र 7 TV में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। के नीचे उतरो और सभा सुनने को आओ। नेता आते हैं तुम्हारे से बात करने के लिए, तुम बैठते हो घर पे, कार्यकर्ता आके बैठता है कुर्सी पे जो हमारा ही कार्यकर्ता है, क्या फायदा मीटिंग का? शरद पवार जी आएंगे उनके साथ। हमने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की भी मांग की है, हो सकता है कि वो दोनों भी आ जाए, अगर आएंगे तो चार चांद लग जाएंगे। हमारी कोशिश है कि दोनों भी मुमरा, यानी तीनों मुमरा पहुंच जाए। थोड़ी भी देर तक उन्होंने बयान किया तो मुमरा के लिए अच्छा हो, ये हमारी सोच है। और हम जनता से भी कह रहे हैं कि आप भी घर से उतर के मीटिंग को आइए, जनता ने भी इनके विचार सुनने चाहिए। अगर देश की लड़ाई के लिए इन लोग सब लोग आगे बढ़ के लड़ रहे हैं तो हमारा तो सिर्फ काम इतना है कि कुर्सी पे आके बैठने का, अगर उतना भी हम नहीं कर सके तो फिर ये लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं। और मुझे खुशी की बात है ये है कि जो गारंटी इंडिया अलायंस ने दी है, खास करके मैं महिलाओं को बताना चाहता हूँ कि 500 रुपये में गैस मिलेगी जो आज 1160 रुपये में, पेट्रोल डीजल के काम कम हो जाएंगे, GST फिर से रिवाइज हो जाएगा, जो 18% 28% 38% है वो बिल्कुल खत्म किया जाएगा, और जो भी स्लैब है 15% के नीचे आ जाएगा, 15% के ऊपर एक भी स्लैब नहीं आएगा। फिर दूसरी जो ये है कि हर औरत के पास जिसके पास पीला कार्ड है उसको महीने को 8,500 रुपया घर पे मिलेगा। इतना 8,500 रुपया हर गरीब को, गरीब महिला को मिलेगा। हर नौजवान को 1,00,000 रुपया, अगर वो ग्रेजुएट है तो उसको 1,00,000 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा, नौकरी नहीं है तो उसको 1,00,000 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा। फिर आरक्षण जो है उसकी मर्यादा 50% से बढ़ाई जाएगी, और पूरे देश में जाति निहाय जनगणना होगी तो एक बार ही दूध का दूध पानी 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 का पानी हो जाए कि इस देश में बहुजन कितने हैं। फिर महिलाओं के लिए वसति गृह बांधे जाएंगे जिसको हम हॉस्टल्स कहते हैं, ताकि उनको पढ़ाई के लिए विद्या के लिए सुविधा हो जाए। मनरेगा जो है मजदूरों को कम से कम 400 रुपया दिन का दिया जाए। लोगों को शौक है कि अपने बच्चे थोड़े होराइजन में जाए, अपने बच्चे सिंगानिया में जाए, तो हम भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजने से हिचकिचाते हैं। अभी हम ये बोलेंगे कि मेरा बाप भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, तो आप बोलेंगे तुम क्यों नहीं पढ़े। तो हर बाप और माँ की तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में जाए, थोड़ा सा इंग्लिश सीख ले तो ताकि भविष्य में उसके तकदीर में वो आगे बढ़ जाए, बाकी तो कुछ है नहीं। वह सब सभा जो होने जा रही है महाविकास आघाड़ी की, इंडिया अलायंस, किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी उपस्थिति कलवा मुमरा चुनाव क्षेत्र से उसमें रहने की संभावना है? मैं बताता हूं कि हम कार्यकर्ता तो जमा कर रहे, मैं आज साफ मुमरा वासी हूं, तुम मुझे हरदम यहां वहां घूमते हुए देखते हो, काम किया वो काम का क्यों इनकार नहीं हो सकता। लेकिन जब नेता आते हैं तो उनको सुनने के लिए आप आइए ना, कार्यकर्ता क्या सुनेगा? अभी शरद पवार को मैं क्या सुनूं यार, कितने 40 साल हो गए उनको ही सुनते आ रहा हूं। पर अगर आपकी लड़ाई मैदान में उतर के 84 साल का बुड्ढा आदमी अब तक 112 सभा ले चुका है, अभी भी वो दुनिया में है, आपके लिए अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाता है वो आने वाला है, तो जनता भी कोई जिम्मेदारी है? नहीं नहीं चाहिए, 4 बजे बहुत धूप होता है, और 4 बजे वो तो सभा ले रहे हैं ना पवार साहब महाराष्ट्र में, जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है, इधर कैंसर है, इधर की हड्डी टूटी हुई है, इधर कैंसर है, ले रहे हैं ना सभा। आप घर में बैठते एसी में बैठते और बोलते नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं 7 बजे के बाद सभा,
आपने अभी इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो जो है उसकी प्रमुख चीजें आपने बताई यहाँ पर, उसमें एक बात थी आरक्षण की, तो आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ाने की इंडिया अलायंस ने गारंटी दी है, लेकिन कल की ही नासिक की सभा में फिर एक बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। देखो, जिस दिन से उसने मुसलमानों को गाली दी है पूरे देश का माहौल बदली हो गया है। अब वो मुसलमानों को करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कल तक बोल देगा वो, कल रात तक, कि मैं मुसलमानों के घर में ही पला बड़ा हूँ, उनके ही घर में रहता था और उनकी ही पालन पोषण मेरा हुआ है।